हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं ईयरली प्रेडिक्शन ईयर 2024 की एक्वेरियस असेंडेंस और मून साइन के लिए, यानी कि कुंभ लगन और कुंभ चंद्र राशि के लिए। देखिए, 2024 में आपको क्या उपलब्धियां हासिल होंगी, कितनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी, नेम फेम प्रोस्पेरिटी मिलेगी, क्या आपके कोई ड्रीम डिजायर फुलफिल होंगे, कितनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फैमिली की सपोर्ट कितनी रहेगी, अनमैरिड के लिए शादी होगी या नहीं होगी, हेल्थ वेल्थ कैसी रहेगी, सेविंग्स कैसी रहेंगी। मैं अपने इस वीडियो में 2024 की प्रेडिक्शन दूंगा एक्वेरियस असेंडेंस एक्वेरियस मून साइन के बेस्ड पर। अगर आपका कुंभ लगन है तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 90-95% एक्यूरेट होंगी, और अगर आपका कुंभ यानी एक्वेरियस मून साइन है तो ये प्रेडिक्शन सिर्फ आपके ऊपर 55 से लेकर 65% तक एप्लीकेबल होंगी। सो दोस्तों, प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ दो चीजें बताना चाहूंगा कि ईयर 2024 आपके लिए, खास करके क्योंकि कुंभ लगन है, आपके लगन का लॉर्ड है शनि, आपके सबसे बड़े रूलिंग प्लेनेट है सैटर्न शनि, और ईयर 2024 अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से काउंट करें 2+2+4 ये भी 8 नंबर बन रहा है, तो इस ईयर में मकर लगन या कुंभ लगन के लिए जो साल है बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट वाला है, लेकिन अचीवमेंट्स मिलेंगी चुनौतियों के बाद। तो दोस्तों, ईयर 2024 की जो ये प्रेडिक्शन है मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड की है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। और अगर आपका लगन, मैं पहले बता चुका हूं, कुंभ है तो 95% है प्रेडिक्शन आपके लिए। अगर आपके ऊपर शुक्र, बुध या शनि की दशाएं चल रही हैं तो ये ईयर आपके लिए गोल्डन जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि शुक्र, बुध और शनि की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में एक अच्छी पोजिशन में होनी चाहिए, यानी एग्जाल्टेड शुक्र शनि अगर बुध हैं या ऑन साइन के हैं या फ्रेंडली साइन में भी हैं, एक वेल हाउस में हैं, एक अच्छे घर में प्लेस हैं, तो डेफिनेटली ये ईयर आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। लेकिन जिन लोगों के ऊपर राहु केतु की दशाएं हैं या नीच के सूर्य मंगल चंद्र बुध या सॉरी नीच के सूर्य चंद्र मंगल या बृहस्पति की दशाएं हैं, उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर देखने को मिलेगी। और लेकिन ये हमारी प्रेडिक्शंस ट्रांजिट के बेस्ड के ऊपर है, तो अब मैं अपनी प्रेडिक्शन को स्टार्ट करता हूं। आप ये जानने के लिए कि आपके बर्थ चार्ट में कौन से प्लैनेट की महादशा अंतरदशा चल रही है, अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे कि महादशा किस प्लैनेट की है, कितना वो एग्जाल्टेड है, कितने वो डेबिलिटेटेड है, प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन ये वीडियो ट्रांजिट डायनामिक्स के बेस पर है। सो दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करेंगे फर्स्ट क्वार्टर की, जो कि होगा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2024 तक। देखिए, ये जो फर्स्ट क्वार्टर आ रहा है कुंभ लगन आपके लिए, आपके लगन के लॉर्ड शनि देव इस सारा साल आपके लगन में यानी कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। बृहस्पति का गोचर 1 मई तक जो होगा वो आपके थर्ड हाउस में होगा, 1 मई के बाद 31 दिसंबर तक आपके फोर्थ हाउस में होगा। गुरु जाएंगे तुला सॉरी वृष राशि में 1 मई के बाद आपके फोर्थ हाउस में। राहु केतु का गोचर जो है इस साल, राहु का गोचर पाइसिस में है आपके सेकंड हाउस में है, और केतु का गोचर आपके एट्थ हाउस में है। सो दोस्तों, जो फर्स्ट क्वार्टर है आपके लिए, आपके बुध शुक्र और शनि के अकॉर्डिंग और बृहस्पति राहु केतु के अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शन है, फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, रिवार्ड्स लेकर आएगा, एप्रिसिएशन लेकर आएगा, पैसे से संबंधित आपको कुछ राहत मिलेगी। यहां पर फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल गेन्स अच्छे होंगे, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, मेंटल पीस आपको मिलेगा, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, आपके एफर्ट्स स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, यू विल एंजॉय नेम फेम प्रॉस्पेरिटी एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। रुका हुआ काम आपका पहले 90 दिनों में क्लिक होगा, रुके हुए काम का क्लिक होने की वजह से आपकी मानसिक चिंताएं थोड़ी सी कम होंगी। देखिए, खास करके 5 फरवरी तक का जो समय है, 1 जनवरी से 5 फरवरी तक का जो समय है, इस समय में आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो स्टार्ट ऑफ द ईयर 2024 है, अगर आपका कुंभ लगन है या कुंभ चंद्र राशि एक्वेरियस सेंडेंस और एक्वेरियस मून साइन है, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू, योर हेल्थ वेल्थ विल बी बेटर, यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स और योर सोशल सर्कल, यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी। एक अच्छी खासी उपलब्धि आप इन 30-35 दिनों में हासिल करेंगे, 1 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में। ये समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स का यही रहेगा, अर्निंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, आपकी इच्छा के मुताबिक आपके सारे काम बनेंगे। छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों के साथ अगर कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व होगी। पहले 30-35 दिन फर्स्ट क्वार्टर के आपके लिए अल्टीमेट है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिलेगी, धन लाभ आपको प्रचुर मात्रा में होगा,
इच्छा पूर्ति आपको होगी। ये भी हो सकता है कोई काम काफी समय से रुका पड़ा था, आपकी मन मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था, अब होगा। डेट होगी 1 जनवरी टू 5 फरवरी 2024। देखिए 5 फरवरी के बाद पोजीशन में कुछ चेंज आएगा। 6 फरवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक आपको थोड़ा अलर्ट होकर चलना है, अपने खर्चों की ओर ध्यान देकर चलना है। ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, लेकिन गेन्स आपको रुक रुक के बनते रहेंगे। अगर आप विदेशी किसी काम से जुड़े हुए हैं या विदेशी किसी कंपनी में नौकरी करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या फॉरेन आपके टाई अप्स हैं या फॉरेन आपका कुछ किसी किस्म का भी बिजनेस होता है या फॉरेन से रिलेटेड कोई किसी किस्म के बिजनेस करने की प्लानिंग है, तो 6 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड है, ये टाइम फ्रेम आपके लिए फॉरेन से रिलेटेड काफी उपलब्धियां और गुड न्यूज लेकर आएगा। आपका सोशल सर्कल यहाँ पे बढ़ेगा, हर एक तरह से आपको गुड न्यूज मिलेगी, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, विदेश से जुड़े हुए गतिविधियों में आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा और आपको हर एक तरह से सक्सेस मिलेगी। देखिए कैरियर से समय में पहले 90 दिन आपके लिए गेम चेंजर हैं, थोड़ी बहुत तकलीफें 6 फरवरी से 31 मार्च के बीच में रहेंगी, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। किसी के साथ रिश्ता ना खराब करें, किसी के साथ भी पहले क्वार्टर में इवन 2024 में ही जितनी ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग आप लोगों के साथ बना के चलेंगे, आपने भी ट्रस्ट शो करना है लोगों पर और आपको उस ट्रस्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन कर्म से पीछे नहीं हटना, ये साल आपके लिए कर्मशील है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क 1 जनवरी से 31 मार्च तक आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उस हार्डवर्क के जो रिजल्ट्स मिलेंगे कुंभ लगन के लोगों को या कुंभ चंद्र राशि के लोगों को, वो बीते 3-4 सालों में आपको नहीं मिले जो मिलेंगे। स्ट्रेस, एंग्जायटी, छोटी सी टेंशन, डिप्रेशन, ये थोड़ा बहुत आपके साथ चलता रहेगा, दिमाग में उथल पुथल चलती रहेगी क्योंकि शनि लगन में। आईसाइट का ध्यान रख के चलें, आईसाइट में प्रॉब्लम 1 क्वार्टर में आ सकती है, आपका नंबर आंखों का बढ़ सकता है, कम हो सकता है, यू नीड टू बी केयरफुल, अपनी आईसाइट की ओर ध्यान देके चलें। अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको, कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। देखिए ये जो टाइम होगा ना आपके लिए फाइनेंस को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर, सेविंग्स को लेकर, जॉब अर्निंग इनकम को लेकर तो अल्टीमेट है, लेकिन इस टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो सिर्फ थोड़ा सा आपका हेल्थ और थोड़ा सा मानसिक दबाव के अंदर आप चलेंगे। तो अगर आप उस दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और कर्मशील रहेंगे तो पहले 90 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर हैं। देखिए आपका जो लगन है ना, कुंभ लगन शनि प्रधान आपका हॉरोस्कोप है, सैटर्न इज डोमिनेटिंग ऑल प्लैनेट्स, सैटर्न प्ले अ बिग रोल, सैटर्न एनर्जी इज टोटली डिफरेंट, शनि की ऊर्जा बिल्कुल ही डिफरेंट है। शनि सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देते हैं। मैंने ये भी देखा है मेरी जो प्रैक्टिस रही है एस्ट्रोलॉजी की, कि एक बर्थ चार्ट में शनि नीच के हैं सपोज करें, लेकिन बंदे के कर्म बड़े स्ट्रांग हैं, उस पर्सन के, उस नेटिव के कर्म बड़े स्ट्रांग हैं और लाइफ में वो शनि की दिशा में बड़ी तरक्की कर रहा है, कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। यूर कर्मा प्ले अ मोर देन पावरफुल रोल, स्पेशल फॉर दोज नेटिव लाइक कैप्रिकॉन और एक्वेरियस असेंडेंस, जिनका शनि लगन का हॉरोस्कोप है, अगर आपके कर्म स्ट्रांग हैं तो पहले 90 दिन आपके लिए, पहले 3 महीने 2024 के आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे। पैसा, इज्जत, शोहरत, अनएम्प्लॉयड तो नौकरी, नौकरी स्विच ऑफ, नौकरी चेंज, ये सारी चीजें पॉजिटिव इवेंट्स, यू कैन से इट्स ऑल अबाउट 80-90% पॉजिटिव इवेंट यू विल एंजॉय। पैसा कहीं पर रुका पड़ा था तो वो 1 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में आ जाएगा। देखिए ये टाइम अगर आप एफर्ट्स करेंगे, आपका रुका हुआ धन या आपके प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व होगी। ये टाइम आपको बहुत ज्यादा अपनी ड्राइव को बढ़ाना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते रहना है, लोगों की बातों में नहीं आना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, यू विल डेफिनेटली राइज अ लॉट। 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2nd क्वार्टर, देखिए यहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपकी बनेंगी, हर एक चीज में अड़चन आएगी, काम रुक रुक के होंगे, मानसिक दबाव, परेशानी बहुत ज्यादा रहेगी, मन उतावला, बेचैन बहुत ज्यादा रहेगा, हार्डवर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, अनबैलेंसिंग सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन्स भी लेकर आ रहा है। पैसे की किल्लत आपको 30 अप्रैल तक देखने को नहीं मिलेगी। 30 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए पैसे को लेकर, रुपए, पैसे और कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर और कम्युनिकेशन के थ्रू गेन्स को लेकर अल्टीमेट है। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक बहुत अच्छी है, लेकिन 1 मई से 30 जून तक आप अपना घर रेनोवेट करवा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, कोई व्हीकल बाय कर सकते हैं, उसमें ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ना करें, चादर देख के पांव पसारे। देखिए शनि को लिमिटेशंस, बाउंड्रीज बहुत पसंद है, अगर आप अपनी बाउंड्री से बाहर जाते हैं तो शनिदेव आपको जैसे तैसे गले से पकड़कर आपकी बाउंड्रीज के अंदर लेकर आएंगे।
तो बेटर है कि कोई भी काम ऐसा ना करें जो आपके हैसियत से बड़ा हो, या बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे और 32 के 32 दांत टूट जाएंगे। सो बेटर है कि अपने दांतों को संभाल के रखेंगे, लिमिट्स में सारे काम करें। शनि को यह पसंद है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ईयर 2024 में जो ऊर्जा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी काउंट करें यूनिवर्स से अर्थ पे आ रही है वो शनि प्रधान ऊर्जा है। इस समय में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट और बहुत ज्यादा सतर्क होके चलना है। 1 मई से लेकर 30 जून के बीच खर्चे बढ़ेंगे, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आपके अराइज होंगे, ये टाइम आपके लिए ज्यादा अच्छा ना होगा। इस समय में टेंशन होगी, घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ खराब हो सकती है, इस सारे समय में सिबलिंग्स के साथ फिर से रिलेशनशिप खराब होंगे, या आपके सिबलिंग्स आपको समझने की आपको समझेंगे नहीं, आप अपना परफॉर्म कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं बट आपके जो सिबलिंग्स हैं आपको आपको अहमियत नहीं दे रहे। बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलने की जरूरत है 1 मई से लेकर 30 जून के बीच बीच में। देखिए थर्ड क्वार्टर जो है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के बीच में, यहां पर भी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, सीनियर्स के साथ तूतू मैं हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर का माहौल खराब हो सकता है, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। थर्ड क्वार्टर आपके लिए मेजर प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, आपकी मदर की हेल्थ या आपकी स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपकी जॉब मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपके शोल्डर्स पे बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा, बहुत ज्यादा कर्म कांठी कर्मशील आपको बनना पड़ेगा। कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर का पीरियड आपके लिए चैलेंज लेकर आएगा, लेकिन उस चैलेंज से आपने पीछे नहीं हटना, उस चैलेंज को आपने फेस करना है, देन यू विल डेफिनेटली अचीव अ बिग माइलस्टोन एंड बिग गोल्स। दिस होल टाइम इन थर्ड क्वार्टर यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, यू नीड टू you know, give your 100% best at your personal life and your as well as your professional life. जितना ज्यादा थर्ड क्वार्टर में आप कर्मशील रहेंगे, रिजल्ट क्या आ रहे हैं उसकी इच्छा भी ना करें, सेकेंड थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना लगाएं, कर्म करते जाएं, कर्म करते जाएं, कर्म करेंगे तो रिजल्ट बखूबी मिलेंगे, लेकिन थर्ड क्वार्टर आपकी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत, आपके मदर के हेल्थ में दिक्कत, या घर में किसी बड़े बुजुर्ग का हॉस्पिटलाइज हो जाना या उनके ऊपर पैसा ज्यादा लग जाना, ऐसे योगों का निर्माण कर रहा है। डायनेमिक्स में जो प्लैनेट्स की पोजिशन है थर्ड क्वार्टर में, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगी, एंग्जाइटी डिप्रेशन रहेगी, बीपी शूट आपका कर सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, मेडिकल हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, मेडिसिन आपको लग जाएगी। ये टाइम आपके लिए फाइनेंस को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर मैटर ऑफ कंसर्न वाला है। एक्वेरियस कोई नई डील ना करें, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करें, थर्ड क्वार्टर यू विल फेस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, यू नीड टू बी केयरफुल। इस सारे समय में आपको केयरफुल होके चलना है, अगर आप केयरफुल होके चलेंगे देन थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, अदरवाइज आपका कोई नुकसान हो सकता है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कुंभ लगन या कुंभ चंद्र राशि आपकी है नहीं करनी, अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो चीजें खराब होंगी। एक टाइम अपने रिश्तों में बैलेंस बना के चलें, स्पाउस के साथ बिल्कुल नहीं लड़ना, कला कलेश से दूर रहना, घर का माहौल अच्छे से बना के चलना। ये टाइम थर्ड क्वार्टर आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है, पैसे की आवक बनती रहेगी, खर्चे आपके निकलते रहेंगे, लेकिन अगर आप सोचें कोई अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो जाए या कोई बड़ी मात्रा में आपको धन लाभ हो जाए, वो अभी योग थर्ड क्वार्टर में नहीं है। तो कोई बड़ा रिस्क ना लें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, अपनी हेल्थ का, अपने मदर की हेल्थ का ध्यान देके चलें तो ये टाइम आपके लिए अच्छा चलेगा। अदरवाइज कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको करना पड़ेगा, आपको बहुत अलर्ट और अवेयर होके चलना है एक्वेरियस। ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का और अपनी मदर के हेल्थ का थर्ड क्वार्टर में ध्यान रख के चलना है, बट ओवरऑल फाइनेंशियल गेन्स रुक रुक के सारा साल आपके लिए अच्छे हैं। तीसरे क्वार्टर में शनि वक्रगत अवस्था में होंगे, वो टाइम आपके लिए मेंटल स्ट्रेस लेकर आएगा, वो टाइम मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, कोई चीट आपके साथ आपको कर सकता है, धोखा आपको दे सकता है, पैसा लेन देन थर्ड क्वार्टर में बिल्कुल नहीं करना, पैसे पे किसी पे भी आप, चाहे आपका कजन है, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड है, चाहे आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, कोई भी हैं आपके सर्कल से, ना पैसा ले ना दे, अपनी लिमिटेशंस में इस साल जो भी करें अपनी चादर देके पांव पिसारे। इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप खराब नहीं इस साल होने चाहिए, अगर इन लॉज के साथ खास करके फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ के साथ आपके रिश्ते खराब होते हैं और आपका कुंभ लगन या कुंभ चंद्र राशि है, देन थिंग्स विल बी वर्स्ट साइड, थिंग्स विल बी मोर वर्स्ट। आपको बहुत डिसिप्लिन में चलना है, जिम योगा इस साल जरूर करना है, थर्ड क्वार्टर खास करके आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करके चलना है, फालतू की बातों में अपनी ऊर्जा नहीं खराब करनी, फोकस ऑन योर वर्क, जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट। फोर्थ क्वार्टर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक आपकी चीजों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा,
लेकिन यहां पर भी स्ट्रगल देखें, सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में स्ट्रगल आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इवन ये सारा साल कुंभ लगन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल, मैं बार बार बोल रहा हूं, कर्मशील। कर्मशील का मतलब क्या होता है कि आप अपने काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति पैशनेट होके चलें, अपने रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान ना दें, प्रॉफिट गेन्स क्या हो रहे हैं वो ना देखें, वो शनि जी का काम है, वो आपको बड़ा अच्छा देंगे अगर आप कर्मशील हो। फर्स्ट क्वार्टर में आपके जो कर्म होंगे, आपके जो हार्डवर्क होंगे, उससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स क्विक मिलेंगे। लेकिन थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में जो आप कर्म करेंगे, जो आप हार्डवर्क करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, उसके रिजल्ट्स आपको डिले मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे बड़े अच्छे और हमेशा के लिए मिलेंगे। शनि की एक नेचर है, शनि जो भी देते हैं फॉरएवर के लिए देते हैं। इस साल 2024 में आप अगर कुछ अचीव कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, गाड़ी बाय कर रहे हैं, घर रेनोवेट करवा रहे हैं, या आप कोई छोटा घर बेच के बड़ा ले रहे हैं, ऐसे योग कुछ बन रहे हैं, तो वो हमेशा के लिए स्थायी रहेगा, अस्थायी नहीं रहेगा। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, शनि का साल है, शनि की ऊर्जा धरती पर आ रही है, तो इस साल आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना है। वादा खिलाफी बिल्कुल नहीं करनी, झूठ ठगी चोरी बिल्कुल नहीं करनी, गलत किसी से कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करनी। फोर्थ क्वार्टर आपके लिए फाइनेंस बहुत अच्छा लेकर आएगा, फॉरेन पीआर आपको मिल सकती है, फॉरेन पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड आपको मिल सकता है। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज थर्ड क्वार्टर में आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा स्ट्रगल, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर चलना पड़ेगा। ये टाइम आपके लिए कुछ अनबैलेंसिंग जरूर रहेगा, लेकिन धन लाभ आपको अच्छा होगा। थर्ड फोर्थ क्वार्टर में आपने अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलना है। एक्वेरियस, कुंभ लगन अगर आपका है तो आप अपनी हेल्थ को लेके अवेयर हो जाएं। ये टाइम, ये साल थोड़ा सा अगर आप लेजीनेस दिखाएंगे अपनी हेल्थ को लेके, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। फोकस रहें अपने प्रोफेशन के प्रति और अपनी हेल्थ के प्रति और अपने रिश्तों के प्रति। इन तीन चीजों में अगर आप बैलेंस बनाते हैं तो फोर्थ क्वार्टर आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप अपनी एनर्जी को, अगर आप अपने अच्छे दिनों को भी फोर्थ क्वार्टर के फालतू की बातों में लगाते हैं, या कुछ हेल्थ इश्यूज अराइज हो जाते हैं, आपको बेड रेस्ट पे जाना पड़ सकता है, तो चीजें वैसे काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। देखिए ये साल फर्स्ट क्वार्टर में आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। इवन फर्स्ट जनवरी से 30 अप्रैल का पीरियड, जो पहले चार महीने हैं, वो आपके लिए सुपर्ब है, जिसमें आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट या फाइनेंशियल टाइप्स आपके किसी के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन एक मई के बाद कोई मेजर डिसीजन ना लें, कोई बड़ा डिसीजन इन्वेस्टमेंट से संबंधित बिल्कुल ना लें अगर आपका कुंभ लगन है तो। अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी भी है तो एक मई से पहले पहले कर लें, या 31 दिसंबर के बाद करें, और वो भी सोच समझकर, आदमी को परख के करें। अदरवाइज ये साल आपको कोई चीट कर सकता है, और ये साल आपके लिए कुछ मानसिक तौर पर उलझने लेकर आ सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, खास करके फोर्थ क्वार्टर में आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। थर्ड फोर्थ क्वार्टर आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएंगे, हार्डवर्क लेकर आएंगे, एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अब रेमेडी क्या की जाए, देखें सबसे पहली रेमेडी नंबर वन, काली माता की भक्ति करें। वेनसडे नाइट और सैटरडे नाइट मोतीचूर के लड्डू काली माता को भोग लगाएं, काली चालीसा का उच्चारण करें, या हनुमान जी की भक्ति करना आपके लिए बड़ा ही शुभ है। मंगलवार और शनिवार रात को आपने सूर्य अस्त होने के बाद हनुमान जी की भक्ति करनी है। चार मुंह वाला जैस्मिन ऑयल का दिया, चमेली के तेल का दिया हनुमान जी के आगे बर्न करना। एक मीठा पान जिसके अंदर कोई नशे वाली चीज ना हो, और डंडी पूरी हो पत्ते की, वो चौसिए वाला पान, मीठा पान, नशे की चीज कोई ना हो। शॉपकीपर को, पान वाले को बोलना है कि आपने भोग लगाना है हनुमान जी को, और इसमें सिर्फ मिठास डालें, कुछ नशा ना डालें। वो आपने ट्यूजडे नाइट और सैटरडे नाइट को हनुमान जी को ऑफर करना है, भोग लगाना है। अगर आप ये एक्टिविटीज करते हैं, पहला काली माता की उपासना, साथ में हनुमान जी की उपासना, वर्शिप करते हैं, संकट मोचन का पाठ करते हैं हर रोज रात को, 2024 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक, इफ यू रेगुलर चैंट हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण मिनिमम 3 टाइम 5 टाइम और 7 टाइम, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। यू विल सी अ बिग बिग चेंज, अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफस्टाइल, योर मेंटल स्टेबिलिटी आर देयर। ये जो शक्ति है, भक्ति जो है ना, इसमें बड़ी शक्ति है। ये जो आपकी वर्शिप है ना, आपकी सोल को, आपके माइंड को प्योरीफाई करेगी, टेंशन डिप्रेशन से आप दूर रहेंगे। जो शनि लगन में गोचर कर आपको कुछ मानसिक तनाव देंगे, और वक्रगत अवस्था में और ज्यादा वो तनाव बढ़ेगा, उसमें ये वर्शिप करनी तो खासा जरूरी है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा जब शनि वक्री होंगे उसका इंतजार करें तब ये भक्ति करें, मैं ये बोलूंगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक काली माता की उपासना, हनुमान जी की उपासना आपको बहुत ज्यादा संकटों से इस साल बचाएगी। आपके साथ कोई फरेब नहीं होगा और आपकी पोजीशंस अच्छी बनी रहेंगी। और तीसरी सबसे बड़ा आपने काम क्या करना है,
अपने पिता के चरण स्पर्श करने हर रोज सुबह और हर रोज रात को, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेनी है, अपने पिता की हेल्थ की ओर फोकस रखना है। आप कोई भी बड़ा डिसीजन लें, अपने पिता को इन्वॉल्व करें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पिता के नाम पे करें, या पिता का शेयर, अपने फादर का शेयर अपने बिजनेस में डाल लें, उनके साथ पार्टनरशिप कर लें, चाहे वो घर पे हैं लेकिन उनका नाम आपके बिजनेस में आपके लिए पारसमनी का काम करेगा। आपके लिए फोर्थ सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? काली मिर्च 800 ग्राम मिनिमम क्वालिटी क्वांटिटी सैटरडे वाले दिन आपने कच्ची जमीन में दबानी है। काली मिर्च 800 ग्राम मिनिमम क्वांटिटी कच्ची जमीन में आपने दबानी है सैटरडे वाले दिन सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। सारा साल हर शनिवार आप ये रेमेडी करें, हनुमान जी की भक्ति, काली माता की भक्ति, और काली मिर्च आपने 800 ग्राम पिसी हुई काली मिर्च आपने कच्ची जमीन में दबानी है। डेफिनेटली आपकी चीजों में बहुत बेटरमेंट आएगा, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड यू विल एंजॉय गेन्स। ये साल आपके लिए स्ट्रगल जरूर लेकर आ रहा है लेकिन स्ट्रगल के बाद कामयाबी भी आपको देगा, क्योंकि शनि एक कर्मशील प्लेनेट है। डिसिप्लिन के साथ जिंदगी जिए, हार्डवर्क करें, ऑनेस्टी के साथ चलें, लिमिटेशन और बाउंड्रीज में चलें। ये 3-4 फॉलो और रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो सैटर्न विल गिव यू बंडल्स ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। यू नो सैटर्न की एनर्जी जो है एक आम आदमी को कहां से कहां तक पहुंचाने का दम रखती है, और आपका तो कुंभ लगन है, अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ चंद्र राशि है, तो इस साल आपकी गजब की तरक्की रहेगी, लेकिन स्ट्रगल हार्डवर्क एफर्ट्स के बाद। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा यार ये भी साल एक आम साल जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस साल कुछ ऐसे चमत्कार भी आपके साथ होंगे। अगर आप क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या आप जमीन से निकली हुई चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑयल या पेट्रोल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको गेन्स होंगे। सारा साल आपके लिए विंडो ओपन है, शनि महाराज आपको देने को तैयार है। इस साल आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, या आप कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या आप कोई बिल्डर है, तो डेफिनेटली यू विल गेट बिग ऑर्डर्स और यू विल गेट बिग वर्क, यू विल गेट गुड फाइनेंशियल गेन्स। लेकिन जो लोग शनि प्रधान काम कर रहे हैं, लोहे का काम है, आपके तेल का काम है, या आप तेल में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या आप इंट्राडे करते हैं इसमें, पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम सेक्टर में इंट्राडे कर रहे हैं, ऑयल सेक्टर में इंट्राडे कर रहे हैं, और आप प्रॉपर्टी में सेल परचेज करते हैं, रियल इस्टेट मर्चेंट है, तो ईयर 2022 सारा साल आपके लिए बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल गेन्स लेकर आ रहा है। बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप अवेल करेंगे। ए टाइम यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल इफ यू आर डूइंग ऑलरेडी सैटर्न रिलेटेड वर्क्स। आपकी लोहे की फैक्ट्री है, आप किसी लोहे की धातु बनाते हैं, सोने का आपका सुनहर का काम है, गोल्ड स्मिथ हैं आप, सोना चांदी का काम करते हैं, धातु का अगर काम, जेम स्टोन्स का अगर आप काम करते हैं, तो ये साल आपके लिए गजब की तरक्की। लेकिन ईमानदारी, ईमानदारी भी आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है इस साल। आप जितने ज्यादा ऑनेस्ट रहेंगे, जितने ज्यादा क्लियर हार्टेड रहेंगे, जितने ज्यादा अपनी बातों पे पक्के रहेंगे, यू विल अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ। दिस ईयर 2024 इज अ बिगेस्ट गेम चेंजर ईयर इफ यू डूइंग योर थिंग्स इन अ नाइस वे। किसी भी काम को जो आज हो सकता है उसको कल पे नहीं छोड़ना, यू कैन डू एवरी वर्क स्मार्टली इमीडिएटली। अगर आप ये बोलेंगे ये काम आज हो सकता है लेकिन मैं कल करूंगा या करूंगी या परसों कर लेंगे, लेजीनेस दिखाएंगे, कोई शनि लगन में आपको लेजी बनाएंगे, आपको लेजी इस साल नहीं बनना। मैं बार बार बोल रहा हूं कुंभ लगन के लिए सारा साल आपके लिए कर्मशील रह के चलना है, तो गेन्स आपको बड़े अच्छे होंगे, लेकिन गेन्स आपको लेटर सोनर इस साल में मिलते रहेंगे। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा आप हार्डवर्क कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन आपने हार्डवर्क करना है छोड़ना, शनि आपकी इसी डेडिकेशन को चेक करेंगे इस साल। और फोर्थ क्वार्टर खास करके जो लोग फॉरेन से जुड़ी हुई कुछ चीज चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन पीआर, फॉरेन वर्क वीजा, या फॉरेन से कुछ चीज बेनिफिट्स चाहते हैं, उनके लिए फोर्थ क्वार्टर में विंडो ओपन है। इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, फादर के साथ रिश्ते फोर्थ क्वार्टर में बड़े अच्छे रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, नए नए वेंचर फोर्थ क्वार्टर में आप स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस समय में भी शनि वक्रगत होने की वजह से जो भी करें सोच समझ के करें और थोड़ा सा पेशेंस रख के करें, जल्दबाजी ना दिखाएं। 20 नवंबर के बाद 31 दिसंबर तक का जो पीरियड है ये आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है, खासकर जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग ऑयल में इन्वेस्ट करते हैं, पेट्रोलियम में इन्वेस्ट करते हैं, या आपका गोल्ड स्मिथ का काम है, या किसी किस्म का धातु का काम है, आप डेफिनेटली आपको गेन्स होंगे। 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, फेम, नेम, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ यू। सो ये साल आपके लिए खुशियां लेकर आए, बरकत लेकर आए।
मेरी यही दुआएं हैं और इस साल आपकी मुराद पूरी हो, आपके सिर पे आपके माता पिता का साया बना रहे, यह 2024 आपको हर एक तरह से सुख समृद्धि और तरक्की दे, बुलंदी दे, आप जो चाहते हैं आपको मिले, लेकिन हार्डवर्क करना ना भूलें, हार्डवर्क इज ए की ऑफ सक्सेस सबके लिए, नॉट फॉर कुंभ लगन, सबके लिए हार्डवर्क सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी रेमेडी है, सबसे बड़ी सक्सेस की एक सीढ़ी है। आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक मिशन बनाएं कि ईयर 2024 में हमने हार्डवर्क करना है, एफर्ट्स करना है और अपनी सोच से ज़्यादा एफर्ट करने हैं। एक यानी सुबह उठे, काम पे गए, 8-6 घंटे का ट्रैक है, काम किया, घड़ी देखी, घर वापस आ गए। डोंट लुक ऑन योर वॉच, जस्ट लुक ऑन योर कर्मा, जस्ट लुक ऑन योर हार्ड वर्क, योर पब्लिक डीलिंग, योर इफ यू आर गुड इन PR, इफ यू आर गुड इन यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन 2024, इफ यू परफॉर्म योर बेस्ट देन 2024 विल बी एक्सलेंट फॉर यू। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्रेइंग फॉर यूर हैप्पी फ्यूचर एंड हैप्पी न्यू ईयर 2024।